धरना जिहड़ा इह सांझा मंच लगा है ये पीजीए सैटेलाइट नूं लेके मंग रखी गई इस मंच द्वारा या मैडिकल कॉलेज की और कोई भी सहूलत मेरे इलाके जांदी है ते मैनू अपने शहर वासी दे नाल नाल इलाका वासी दे नाल मैनू भी खुशी होगी और पंजाब गवर्नमेंट के पद्धर ते जिहड़ा प्रयास जारी है वो असी बीबीएमबी हॉस्पिटल दे विच डॉक्टर भेज रहे हैं। तकरीबन 5 डॉक्टर आ चुके हैं और मैं बेनती की है मुख्यमंत्री साहब नूं और माननीय सेहत मंत्री जी नूं कि होर भी डॉक्टर जिहड़े है बीबीएमबी हॉस्पिटल भेजे जाए। रोजगार मिलेगा एक बार हमने साथियों में रोजगार चालू से करा दे। साथ ही साथ हमने सामने बिल्कुल सही कहा 2017 में जब विधायक ये बने विधायक बनते ही पहला कार्य यदि हुआ मुख्य रूप से बीजेपी हॉस्पिटल में दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए 3-4 एमबीबीएस एमडी आए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। भाई जी भुख हड़ताल है किन्नवे दिन हो गया जी? आज 11वां दिन भुख हड़ताल का चल रहा है हमारा जी। हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करके यहाँ पे आए तलवाड़ा में इस चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर विधायक साहब जी आए थे तो आज की विश्वास दोगे जी? एमएलए साहब 11वें दिन आए तो सही और उनके एमसी साहब भी 11वें दिन आए तो सही, हम उनका धन्यवाद करते हैं अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अभी तक तो ये कहा है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन सेंटर ने जो मेडिकल कॉलेज दिए थे पिछले टर्म में तो गुरदासपुर और पठानकोट में कोई खासा फर्क नहीं है और पठानकोट में 100 किले की जमीन चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए और मेडिकल कॉलेज जो ये है इसमें ये न्यूज लगी थी एक उसमें लिखा हुआ है साफ साफ ये सारे 3-4 पेज है अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं ये दे सकता हूँ आप इसी स्नैप भी ले लें। इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्च करेगा स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्च करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि वो जमीन एक्वायर करा के देगा आपको जमीन उपलब्ध करवाएगा। पठानकोट में कोई जमीन नहीं मिली दीनानगर के पास करोटा गाँव आता है वहां पे ढूंढा गया आज एक साल हो गया उनको जमीन नहीं मिल रही। हम तो आह्वान कर रहे हैं साहब आ जाओ हमारे बीबीएमबी में पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है बना बना इंफ्रास्ट्रक्चर है खाली क्वार्टर है बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनेगी बच्चों के पढ़ने वाला जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनेगा हॉस्पिटल प्रैक्टिकल रूम सब अवेलेबल है। सर कितने दिन भुख हड़ताल तो चली गई जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग साथ बैठे रहेंगे। महामंडलेश्वर ब्रह्म क्षेत्र महंत श्री शिवजी महाराज जी मंच पर आसीन है उन्हीं के साथ ही हमारे समक्ष हमारे हरमन प्यारे विधायक दसवा विधानसभा के माननीय अरुण कुमार डोगरा जी भी यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ नगर पंचायत तलवाड़ा के सभी एमसी साहिबान मेरे समक्ष सभी इलाका निवासियों आप सभी को मेरा शत शत नमन जय हिंद जय भारत। मैं सभी एमसी साहिबान का खास करके एमएलए साहब का इस भूख हड़ताल के मैदान पर आने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि चड्डा साहब ने बताया है कि विधायक साहब को बताने की जरूरत नहीं है उनको पहले से ही पता है कि पूरे क्षेत्र की मांग क्या है पूरे इलाके की मांग क्या है चाहे वो किसी भी प्रकार की जथेबंदियां हैं चाहे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं चाहे वो एम्प्लॉई यूनियन है चाहे वो इलाका निवासी है सबकी मांग यही है कि मेडिकल कॉलेज या पीजीआई सैटेलाइट। मैं डोगरा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमएलए साहब का जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि यदि केंद्र हमें यहां पर मदद करता है मेडिकल कॉलेज देता है तो पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे इलाके निवासियों के यहां पे सहूलत के लिए मेडिकल कॉलेज आ सके। इसी के साथ ही एमएलए साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए जो प्रयास किए चेयरमैन साहब की वह जो चिट्ठियां दी है। महामंडलेश्वर ब्रह्म क्षेत्र महंत श्री शिवजी महाराज जी मंच पर आसीन है उन्हीं के साथ ही हमारे समक्ष हमारे हरमन प्यारे विधायक दसवा विधानसभा के माननीय अरुण कुमार डोगरा जी भी यहां पर पहुंचे हैं। उनके साथ नगर पंचायत तलवाड़ा के सभी एमसी साहिबान मेरे समक्ष सभी इलाका निवासियों आप सभी को मेरा शत शत नमन जय हिंद जय भारत। मैं सभी एमसी साहिबान का खास करके एमएलए साहब का
इस भूख हड़ताल के मैदान पर आने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि सदर साहब ने बताया है कि विधायक साहब को बताने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से ही पता है कि पूरे क्षेत्र की मांग क्या है, पूरे इलाके की मांग क्या है। चाहे वो किसी भी प्रकार की जथेबंदियां हैं, चाहे सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे वो एम्प्लॉय यूनियन है, चाहे वो इलाका निवासी है, सबकी मांग यही है कि मेडिकल कॉलेज या पीजीआई सेटेलाइट। मैं डोगरा साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, एमएलए साहब का, जिन्होंने विश्वास दिलाया है कि यदि केंद्र हमें यहां पर मदद करता है, मेडिकल कॉलेज देता है, तो पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे इलाके निवासियों के यहां पे सहूलत के लिए मेडिकल कॉलेज आ सके। इसी के साथ ही एमएलए साहब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए जो प्रयास किए, चेयरमैन साहब की वजह जो चिट्ठियां दी है। भाई जी, ये भूख हड़ताल है कितने दिन हो गया जी? आज 11वां दिन भूख हड़ताल का चल रहा है हमारा जी। हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज अपग्रेड करके यहाँ पे आए तलवाड़ा में, इस चीज को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। सर, विधायक साहब जो आए थे तो उन्होंने की विश्वास दिलाओगे जी? एमएलए साहब 11वें दिन आए तो सही, और उनके एमसी साहब भी 11वें दिन आए तो सही। हम उनका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अभी तक तो ये कहा है कि हम प्रयास करते हैं, लेकिन सेंटर ने जो मेडिकल कॉलेज दिए थे पिछले टर्म में, तो गुरदासपुर और पठानकोट में कोई खासा फर्क नहीं है। और पठानकोट में 100 किले की जमीन चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए, और मेडिकल कॉलेज जो ये है, इसमें ये न्यूज लगी थी एक, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ये सारे 3-4 पेज है, अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं ये दे सकता हूँ, आप इसी स्नैप भी ले लें। इसमें अंडरलाइन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्च करेगा, स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्च करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि वो जमीन एक्वायर करा के देगा, आपको जमीन उपलब्ध करवाएगा। पठानकोट में कोई जमीन नहीं मिली, दीनानगर के पास करोटा गांव आता है, वहां पे ढूंढा गया, आज 1 साल हो गया उनको जमीन नहीं मिल रही। हम तो आह्वान कर रहे हैं साहब, आ जाओ, हमारे बीबीएमबी में पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है। बना बना इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली क्वार्टर है, बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बनेगी, बच्चों के पढ़ने वाला जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनेगा, हॉस्पिटल प्रैक्टिकल रूम सब अवेलेबल है। सर, कितने दिन भूख हड़ताल तो चली गई? जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम लोग साथ बैठे रहेंगे। धन्यवाद करना साथियों, मैं तुहानू गल दसनी चाहना प्राणी, जदों असीं भुख हड़ताल शुरू की सी, सानू